खैरानी में लाखों रुपयों की लागत से बने गौशाला परिसर में बने भूसा स्टोव व चौकीदार केंद्र की उड़ी टिन। उप न्यूज जनता की आवाज लखीमपुर खीरी विकासखंड निघासन के खैरानी गांव में लाखों रुपयों की लागत से बना गौशाला परिसर के अंदर भूसा स्टोव व चौकीदार केंद्र की आंधी में उड़ी टिन। आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से बना खैरानी गांव का गौशाला जिसका उद्घाटन हो एक्सा का है, फिर भी यहां कोई अभी तक गौशाला में गाय मौजूद नहीं है, जिसके चलते सरकार के लाखों रुपए का ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव लग रहे चुनाव और गौशाला प्रवेश द्वार पर बने गेट जो कि हाल ही में लगाया गया था वह भी टूट चुका, जो है लाख हजारों रुपयों की लागत से भूसा केंद्र में भूसा इकट्ठा किया गया था। भूसा स्टोव की टिन उड़ जाने से हजारों रुपयों का भूसा पानी में भीग कर सड़ रहा है। वह चौकीदार केंद्र की टिन भी आंधी व बारिश में उड़ गई। जबकि सरकार ने दावे कर रखे हैं कि काम जो अपने क्षेत्र में करे वह सुचारू रूप ढंग से किया जाए, फिर भी सरकार के मंसूबों पर ग्राम प्रधान व सचिव पानी फेर रहे। वही खैरानी गांव में बने नाला निर्माण जो गलत तरीके से गांव के बीचों बीच लाकर छोड़ दिया गया। खैरानी के गांव वालों ने बताया कि रोड की तरफ से नाली का निर्माण अंदर की तरफ लेकर आए थे और यही तक केवल नाली निर्माण की गई और हम लोगों के रास्ते व घर के सामने लाकर छोड़ दी गई, जिसके चलते हमारे घर के बाहर लगे खड़ंजे पर 400 मीटर की दूरी पर नाली का गंदा पानी भरा रहता है, जिससे आए दिन बच्चों को व बूढ़ों को गंदगी और बदबू अनेक बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, जहां उनका इस रास्ते से स्कूल पास पड़ता था वही अब वापस घूमकर लंबी दूरी तय करके स्कूल पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार ग्राम प्रधान व सचिव से कहने के बावजूद भी कार्य नहीं किया गया, न ही पानी का निकास बनाया गया, जिससे हम हर प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आगे जाकर ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ उपजिला अधिकारी को दी एप्लीकेशन और की कार्यवाही की मांग। एप्लीकेशन देना पड़ा भारी, ग्राम प्रधान व सचिव दे रहे हैं ग्रामीण को धमकी। लखीमपुर खीरी से रिपोर्टर शिवम कश्यप। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत गौशाला अस्थायी गौशाला खुला हुआ है, जिसमें कि एक महीने से तीन टूटी हुई है, पीछे आप लोगों को दिख रही होगी। इसमें भूसा लगा है भूसा स्टोर में और जैसे कि ये चौकीदार कच्छ है। सरकार काफ़ी पैसा देती है लेकिन लाखों पैसे देती है, लेकिन यहाँ के ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान इसमें बहुत बड़ा घोटाला किए हैं। मैं चाहता हूँ इस विषय में विधिवत कार्रवाई की जाए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसके अंदर लगा भूसा, भूसा स्टोर में भूसा सड़ गया है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये पहली आंधी में टिन उड़ी थी, ये पहली आंधी में थोड़ी टिन उड़ी थी, उसके बाद दूसरी आंधी आई थोड़ा और उड़ी, उसके बाद धीमे धीमे टिन उड़ती रही और भूसा भीगता रहा। भूसा भीगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कितनी लगत का भूसा भरा हुआ है? लगभग इसमें भूसा 20-30 क्विंटल भरा हुआ है, सारा सड़ रहा है और इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं प्रशासन से पूछ रहा हूँ और ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान से, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार एक तरफ अच्छे काम करती है लेकिन यहाँ के ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव मिलकर इसमें बहुत बड़ा घोटाला किए हैं। ये लोग सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गौशाला का जो गेट टूटा हुआ है ये पुराना लगाया गया है? ये गौशाला का गेट बिल्कुल पुराना लगा हुआ है और अभी गौशाला चालू नहीं हुई है, 3 महीने हुए हैं और गौशाला का गेट और या टीन इसकी और भी चीज़ें बहुत सारी, यहाँ पानी भी भर जाता है, यह सब ध्वस्त होने लगा है। अच्छा, ये स्टोर जो किया गया है भूसा है, इसमें प्रधान ने देखा था कि भूसा हमारा खराब हो रहा है? ग्राम पंचायत सचिव को भी बताया गया कि भूसा खराब हो रहा है, वो बोल रहे हैं बनवा दूंगा। इस सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है ग्राम पंचायत सचिव द्वारा और ग्राम प्रधान द्वारा। आपने इसकी शिकायत की? हाँ, मैंने शिकायत ग्राम पंचायत सचिव से की है, मैंने आज SDM निगासन से भी शिकायत किया है और BDO से भी शिकायत किया है और मैंने जिले पर भी शिकायत इसकी कर चुका हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है लेकिन मैं चाहूँगा जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ और ग्राम प्रधान के खिलाफ। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दादी, क्या मामला है? गौशाला की जो टीन उड़ी है कैसे उड़ी है? अब आंधी में उड़ी है भैया। क्या मामला है? मामला का लाइके हर वोट है, वोट पर पानी के नाली गांव से निकल रही है, ना यहाँ कोई सुनवाई नहीं, ना कुछ आवा था, इस पर रेडी वाइज चुके कहिए था सब तो डाले, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मोहरे तक पानी भरा है। अब क्या चाहते हैं? अब कार चाहिए थी बनाई हुआ ना पाँच। ओमकार, अच्छा क्या नाम मामला है? ये जो रोड मामला ये है कि रोड पे पानी भरा हुआ है, दूसरे रोड से रोड पे निकाल दिया पानी, पानी का कोई निकास नहीं है, रोड बन भी नहीं रही है, काफ़ी दिन से सब लोग परेशान हैं यहाँ। इसकी शिकायत तो बहुत की गई, कई लोग आ चुके हैं यहाँ देखने के लिए, निकल कुछ किया ही नहीं। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी भी यहाँ आए थे मगर किया कुछ नहीं।
प्रोग्राम दिया। क्या मामला है? मामला का है यहाँ पर पानी भरा है दूसरे नाली से पानी, यहाँ मतलब भेज दी नहीं, यहाँ भरा रहा था 24 घंटा, पूरा निकास है नहीं। स्कूल जाने में बच्चे मतलब बहुत तकलीफ होती है, यहाँ पर कोई निकास नहीं है, मोहरे तक का देखो भरा है पानी। सेक्रेटरी आवत है, रेडियो आए, बहुत देख गए हैं, सब अधिकारी आए देख गए, कोई मतलब खरासे नहीं कर रहे हैं, कोई जाले नहीं कर रहा है कि क्या है क्या नहीं। यही मामला है, दिक्कत सबको दिक्कत है यहाँ पर, बच्चा पढ़ने में वो दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये रोड मतलब बनना चाहिए, सब बच्चे मतलब आप निकलते हैं स्कूल जाएं, स्कूल जाने में परेशानी होती है, बच्चे वहाँ गिर जाते हैं, बस्ता भीग जाता है, कपड़ा भीग जाते हैं। क्या नाम है? क्या दिक्कत है? दिक्कत यहाँ है भैया, सड़क पर पानी भरा है मोहरे तक का, निकले यहाँ आवे जाए बहुत तकलीफ है, और लगभग एक साल पूरा हो जाता है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मतलब देखभाल करके रोड बनना चाहिए, लेकिन आए कोई ध्यान दे रहा है, चले जाते हैं, मन समझाएगी कोई नहीं। आप लोगों के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए किधर? स्कूल जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, यह मके जाते हैं बेचारे, कहीं कहीं गिर पड़ते हैं। रोड पे कितना पानी भरा हुआ है? यहाँ भरा है जांग भर पानी। मेरा नाम आशीष गुप्ता। क्या दिक्कत? हमारे यहाँ एक गाँव की मेन रोड जो है वह इतना पानी भरा हुआ है, पीछे आप लोग देख सकते हैं गाढ़ गाढ़ पानी भरा है, और इसमें मच्छर भी पैदे हो रहे हैं, और भी स्कूल बच्चों को स्कूल जाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे निकलते हैं तो गिर पड़ते हैं, और हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव यह देखने पर तैयार नहीं है कि गांव की मेन रोड पूरी खराब हो चुकी है और लोगों को निकलने में बहुत बड़ी समस्या है, और ग्राम प्रधान ग्राम सचिव इस गाँव में अपने घर की निजी रोडें लगवा लेते हैं, और यह जनता के बीच में जो रोडें हैं वो रोडें नहीं बनवाने का काम करते हैं। कितनी दूर तक है ये लगभग? ये रोड है जो 400 मीटर की है, और इसी तरीके से आगे भी है, पूरी रोड इसी तरीके से भरी हुई है, बहुत आने जाने में लोगों को दिक्कतें होती हैं, गांव से मेन रोड से रोड जुड़ी हुई है, आने जाने में बहुत ही सारी पानी से निकलते हैं, गिरते भी हैं, और बहुत सारी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, और यहाँ पर जो घर है वहाँ पर बहुत ही गंदगी फैल रही है। इसकी शिकायत मैंने IGRS पे भी की है, मैंने अधिकारियों से भी कहा है, ग्राम पंचायत सचिव से भी कहा है, कोई कार्रवाई करने पर नहीं तैयार है। मैं चाहता हूं कि ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द रोड बने।